गुड मॉर्निंग टोलोफियो, आज जो है बेटा आपका स्वागत है सेवन क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो है मैंने आपको क्लास सेवन्थ में और जो है आपकी बुक कौन सी हमने लगाई कल, यानी कि वसंत में, किसमें वसंत में लेसन नाइन जो है स्टार्ट किया है और लेसन नाइन की मैंने थोड़ी जानकारी आपको कल दी थी। तो लेसन जो है बेटा इसमें आपका नाइन है चिड़िया की बच्ची, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा ये रचित एक अच्छी ही कहानी है, जिसमें जैनेन्द्र कुमार ने जो है सुख की सच्ची अनुभूति क्या होती है, जैनेन्द्र द्वारा जो है बेटा कौन है इसके राइटर, जैनेन्द्र कुमार। तो जो है चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार ने जो लिखी है, यानी कि इसके राइटर जो हैं उन्होंने सच्चे सुख की अनुभूति किसी धन संपदा धन दौलत से नहीं की है, सच्चे सुख की अनुभूति का वर्णन जो है उन्होंने किसके कारण है, यानी कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के कारण जो है बताया है, किसके कारण, स्वतंत्रता के कारण और स्वच्छंदता के कारण जो है सच्चे सुख की अनुभूति का इन्होंने वर्णन किया है। मान लिया किसी व्यक्ति के पास या राज्य के पास धन दौलत जो है इतनी मार्मिक है, इतनी ज्यादा है कि जो है वो सुख की अनुभूति उनके कारण नहीं कर सकता, जब तक उसका मन मस्तिष्क जो है अच्छी तरीके से जो है स्वतंत्र ना हो पाए और स्वच्छंदता उसको प्राप्त ना हो, तो वो सच्चे सुख की अनुभूति जो है तब तक नहीं कर सकता। तो ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो है रचित कहानी है चिड़िया की बच्ची। तो मैंने इसके बारे में आपको कल बताया था कि माधव दास जो है चिड़िया जो है एक उनके बगीचे में आती है, तो उसके बारे में मैंने वर्णन किया था। आज जो हम इस लेसन की जो है बेटा रीडिंग करेंगे, सभी बच्चे जो है निकाल लीजिएगा चिड़िया की बच्ची, यानी कि लेसन नाइन जो है आपका टेक्स्ट बुक में, कौन सी टेक्स्ट बुक है आपकी, यानी कि वसंत, इसमें लेसन कौन सा है, चिड़िया की बच्ची। तो ये लेसन की रीडिंग करेंगे हम, सभी बच्चे निकाल कर रखिएगा। तो मैं अभी इसकी रीडिंग आपको देती हूँ। तो सभी ने जो है बेटा अपनी बुक निकाल ली होगी, तो जो है अब हम इसकी रीडिंग करेंगे और मैं जो है इसके बारे में आपको समझाऊंगी, ठीक है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, कोठी यानी के महल, और जो है जिसमें वो माधव दास रहता था, कोठी यानी के महल, अपना घर रहने के लिए जो घर बोला जाता है कोठी, तो उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। क्या लगवाया है, बहुत ही सुहाना, सुहाना मीन्स होता है बेटा आकर्षक, सुंदर, देखने लायक, सुहावना, जो मन को छू जाए, यानी कि मन को जो है बहुत ही अच्छा लगे, सुहाना, सुहाना यानी कि सुंदर, आकर्षक, बहुत ही अच्छा जो है माधव दास ने क्या बनवाया, एक बगीचा लगवाया था। उनको कला से बहुत प्रेम था, किसको, माधव दास को जो था कला से बहुत ही प्रेम था। धन की कमी नहीं थी, माधव दास के पास जो है बेटा धन की कोई कमी नहीं थी, और जो है कोई व्यसन यानी कि कोई भी जो है व्यसन छू नहीं गया है, यानी कि कोई भी चीज उसको जो है छू नहीं सकती थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे, यानी कि सुंदर जो है उनका मन और जो है मनमानी करते थे, अभिरुचि जो उनकी आत्मिक रुचि थी, जो इच्छा करती थी उसको अभिरुचि कहते हैं, और जो है फूल पौधे और रकाबियों, फूल पौधे और रकाबियों से जो है हुजनी लगे फव्वारे, उनको जो है उछालता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, यानी कि जो है उनके बगीचे में एक उन्होंने फव्वारा लगवा हुआ था
जिसमें पानी जो है ऊपर की ओर उछलता था, जिससे जो है उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। समय भी जो है उनके पास काफ़ी था। क्या था? समय भी उनके पास काफ़ी था। शाम को जो है जब दिन की गर्मी ढल जाती थी, यानी कि उमस भरी गर्मी, थोड़ा मौसम जो है तापमान कम हो जाता था और आसमान कई रंग का होता था, तो तब कोठी के बाहर जो है चबूतरे यानी कि घर के बाहर जो है एक थल्ली टाइप बना दी जाती है। तो चबूतरे थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, जिस पर जो है चारपाई या तख्त वगैरह बिछा सकते हैं। चबूतरे पर जो है तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह जो है गलीचे पर बैठते हैं। एक इसमें बेटा आई है बात मसनद। मसनद मीन्स होता है तकिया, पिल्लो, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये मसनद? मसनद यानी कि तकिया, जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, ठीक है। मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति का जो छटा है उनको निहारते हैं। निहारते यानी कि देखते हैं। क्या करते हैं? निहारते यानी कि देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रकृति की छटा को, प्रकृति की रंगीन जो है हवाएं और रंगीन प्रकृति को, फूल फलों से लथी हुई जो प्रकृति होती है उसकी छटा को वे निहारते यानी कि देखते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति यानी कि उनके मन की जो संतुष्टि, तृप्ति एक तरीके से संतुष्टि होना, तृप्ति होना यानी कि संतुष्टि होना। मित्र हुए तो उनसे विनोद जो है चर्चा करते हैं, यानी कि हंसी मजाक, विनोद। विनोद होता है हास्य स्पंद, यानी कि विनोद, अच्छी तरह हंस कर खेल कर जो है उनसे वे बातें करते थे या चर्चा करते थे। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की जो है सटक को मुँह में दिए ख्याल में जो है संध्या का स्वप्न भी भाती से गुजार देते। जैसे आपने देखा होगा गांव में हुक्का होता है, तो कुछ लोग जो है अकेले होते हैं तो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ सोचने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये माधव दास जो था हुक्के की सटक मीन्स घूंट भरना, ऊपर की तरफ को घूंट भरना, तो मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में जो है संध्या का स्वप्न अपनी यानी कि स्मृति में सजो कर रखते हैं। आज कुछ बादल थे, आज कुछ कुछ यानी कि थोड़े थोड़े, कुछ कुछ यानी कि थोड़े थोड़े बादल थे, गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था, यानी कि बादलों से जो है कभी सूरज निकलता था। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि सूरज की जो रोशनी थी, किरणें थी, वो बादलों के अंदर से छन छन कर आ रही थी। छन छन कर जहाँ पर बादल नहीं होते थे तो वहाँ से जो है सूरज की रोशनी निकल आती थी। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जो भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। किसको? माधव दास को। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें जिंदगी में जो है बहुत से उन्होंने अनुभव किया है, बहुत से उन्होंने खुशी देखी है, बहुत से उन्होंने जो है स्वाद के यानी कि हर तरीके का उन्होंने अपने जीवन में ऐश्वर्य देखा है। इसने माधव दास ने उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की जो है गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठती है। किसके बगीचे में? माधव दास के बगीचे में जो है सामने से एक चिड़िया आकर बैठती है। कहाँ से बैठती है? डाली पर बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन कैसी थी? लाल थी और गुलाबी होते होते जो है किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, यानी ये जो चिड़िया के किनारे थे, पंखों के किनारे, वहाँ से थोड़ी नीली नीले थे।
पंख ऊपर से चमकदार और जो है शहाते, शहा यानी कि शहा चमकदार, बहुत ही उसमें चमक थी। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था। किसका? चिड़िया का। चिड़िया का जो नन्हा सा सिर था वो बहुत ही प्यारा लगता था। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी चिड़िया को, जो है मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था। सत्ता यानी कि क्या ये करने वाला है, क्या ये नहीं करने वाला है, क्या ये चिड़िया के साथ करने वाला है, तो उसकी जानकारी चिड़िया को बिल्कुल भी नहीं थी। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी जो है पर मीन्स पंख, पर बोलते हैं ना साधारण भाषा में, पर बोल देते हैं हम, पर हिलाती थी है? तो कभी चिड़िया क्या करती थी, वो अपने पंख को हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खुश मालूम होती थी क्योंकि उसको वहाँ पर जो है अच्छा सुंदर बगीचा, फल फूल उस बगीचे में जो है मार्मिक थे, तो उनको देखकर चिड़िया बड़ी ही खुश थी क्योंकि वो अपने घोंसले से प्रकृति को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए निकली थी। अपनी मन की आत्मा को तृप्त करने के लिए जो है चिड़िया की बच्ची जो है प्रकृति की छटा को देखने निहारने निकली थी। तो इसके बाद जो है वो थिरकती थी, कभी वो डाल पर बैठती थी तो फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। कौन? चिड़िया जो है अपनी प्यारी सी चोंच से, गुलाबी चोंच से प्यारी प्यारी ची 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 आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी ही मनमानी लगी। मनमानी अपने मन की चलाने वाली, अपनी मन की इच्छा को जागृत करने वाली मनमानी। तो इसकी जो है स्वच्छंदता बड़ी ही प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे और उस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। कौन? माधवदास। जब सामने एक सुंदर पक्षी अपने क्रियाकलाप के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा जो है तरह तरह की अभिव्यक्ति करता है, तो माधवदास किसी की भी जो है निगाहें बेटा उस पर टिक जाती है। जरूरी नहीं माधव दास ही है, कोई भी ऐसे उसकी निगाहें, किसी की भी ऐसे प्रकार निगाहें टिक सकती है। तो इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उसे चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के लिए ही मैंने बनवाया है। ये बगीचा जो है आप लोगों के बिना सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। माधव दास को जो है लालच आ गया क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं था, वो चिड़िया को अपने घर में ही रखना चाहता था। तो चिड़िया को क्या कहता है, चिड़िया की बच्ची को, कि ये चिड़िया सुनो, ये बगीचा जो है मैंने आपके लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, बेखटके बिना किसी डर के स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि यहाँ पर आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, असावधान यानी कि ना समझ रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है यानी कि एकाएक तो घबराई। फिर उसने चिड़िया पहले उसकी माधवदास की बात को सुनती रही और फिर जो है जानकर उसकी बातों को जानकर उसकी जो है जाकर एकाएक घबरा गई और फिर संकोच को जीत कर बोली, संकोच यानी कि उसे जो है एक संकोच हुआ। किसको हुआ? यानी कि चिड़िया को जो है एक संकोच यानी कि शर्म, लिहाज। क्या संकोच मीन्स?
शर्म लिहाज आई, उसको संकोच हुआ। क्या संकोच हुआ? शर्म का यानी कि तात्पर्य क्या है बेटा संकोच का? यानी कि उसको शर्म आई, यानी कि उसको लिहाज। जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। चिड़िया की बच्ची ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा जो है आपका है और मैं जो है पल भर के लिए यहाँ यानी कि सांस लेने के लिए जो है मैं यहाँ पर टिक गई थी, थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर टिक गई थी, तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझो। एक बेटा एक शब्द आया है यहाँ पर क्या, कि संगमरमर यानी कि संगमरमर सफेद पत्थर, चमकदार पत्थर, सफेद पत्थर, उसको संगमरमर बोलते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया संगमरमर मीन्स एक सफेद पत्थर, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तुम जो है यहाँ पर बैठिए, तुम्हें देखकर जो है मेरा मन बड़ा ही खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई, सोच संकुचा ना शर्मा गई, संकुच शर्माना, यानी कि उसे बोध हुआ, उसे जानकारी हुई कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। चिड़िया ने जो है सोचा कि उससे जो है कोई गलती तो नहीं हो गई कि जो वो यहाँ पर बैठी हुई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह जो है बोली, क्या बोली, भयभीत, भयभीत यानी कि एक डर का एहसास और चौंकना, भयभीत होना, चौंकना एक तरीके से कि यह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित प्रफुल्लित प्रफुल्लित होता है, यानी कि खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लित होना यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का बेटा हाथ में ना पेंसिल रखें, जब भी मैं ऐसे वर्ड मीनिंग बताती हूँ तो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे वर्ड मीनिंग क्या होते हैं मैं बाद में आपसे पूछूंगी। हाँ, प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न, खुश हुआ। मेरा महल भी जो है सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बह लेगा, और तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ तो तुम क्यों नहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप जो है खाने और हवा से खेलने और फूलों से जो है बातें करने में जरा घर में से जो है उड़ाई थी, यानी कि घर से बाहर निकल आई थी मैं, क्या करने के लिए, ये धूप खाने के लिए, हवा खाने के लिए, बाहर की प्रकृति का है, तो इसलिए जो है मैं घर से बाहर आ गई थी। किसने कहा ये? चिड़िया की बच्ची ने कहा। हाँ, अब जो है सांझ में श्याम हो गई है और माँ के पास जो है मैं जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, सोच आप जो है संकोच न करें, ठीक है। तो ये बेटा मैंने अभी तक आपको यहाँ तक जो है आपको रीडिंग दी है, और आप भी जो है इसकी रीडिंग करेंगे और समझेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाए कि इसमें क्या है, हैं। बाकी की रीडिंग हम कम जो है आप करिएगा, मैं अभी आपको इसके जितने इस पैरे में जो है वर्ड मीनिंग आए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो आप भी सोच कर रखिए कौन सी जो है वर्ड मीनिंग आपको इसमें पूछने हैं मेरे से या समझने हैं।
तो इस तरीके से जो है आप इसकी रीडिंग दीजिएगा। और अभी जो है मैं आपको इसके थोड़े वर्ड मीनिंग आपको कराऊंगी इस पैरे तक का, फिर बाकी का जो है पैरा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा। Thank you.